नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद आलोक में। मैं आर कुमार। दोस्तों बता दूं मैं आप सभी को कि इसके पहले जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी के लिए जनरल साइंस का एक प्रमोशन क्लास मैंने आपको दिया हुआ था, जहां पर मैंने सेल के बारे में, मानव जीवन की उत्पत्ति के बारे में आपको समझाया हुआ था। आज एक और क्लास के जरिए मैं आपको एक नई चीज बताने वाला हूं, जिसका नाम है ऊष्मा गतिकी। निश्चित तौर पर ऊष्मा गतिकी आप ऐसा पढ़ेंगे कि आपने इससे पहले ऐसा कहीं भी नहीं पढ़ा हो। कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि सर कितने प्रश्न आने वाले हैं, विज्ञान से कितने प्रश्न आने वाले हैं, गणित से। अभी थोड़ा सा ये संशय बना हुआ है, क्योंकि अगर विज्ञान और गणित एक में रहता है तो 100 क्वेश्चन का प्रश्न पत्र बनेगा, तो जाहिर सी बात है 50-50 डिवाइड हो जाएगा विज्ञान और गणित में। अगर 150 क्वेश्चन का बनता है तो 75-75 डिवाइड हो जाएगा किसमें दोस्तों, विज्ञान और गणित के रूप में। तो ऐसे प्रश्न आने हैं। और कुछ लोगों ने कहा कि सर पहले विषय वस्तु पर बात करी जाए, तो मैं आपको बता दूं कि विषय वस्तु के बारे में विशेष चर्चा हम लोग करेंगे। जिस दिन विज्ञापन आ जाएगा उस दिन हम एक विस्तृत रूप से बढ़िया से विषय वस्तु के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों फिलहाल विज्ञान की बात है, तो विज्ञान में आपको चारों सेगमेंट पढ़ने हैं। बॉटनी का सेगमेंट पढ़ना है, जूलॉजी का सेगमेंट पढ़ना है, इसमें आपको भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स का सेगमेंट पढ़ना है, और यहां आपको केमिस्ट्री का सेगमेंट भी पढ़ना है। तो आइए एक धुआंधार शुरुआत करते हैं फिर से, और एक नए टॉपिक को लेकर के मैं आपके सामने आया हूं। इस टॉपिक का नाम है ऊष्मा गतिकी, जहां पर हम समझने वाले हैं कि ऊष्मा क्या है, तापमान क्या है। आखिर ऊष्मा और तापमान का जब हम नाम सुनते हैं तो हमको फीलिंग एक ही वाली आती है कि दोनों एक ही है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर होता है। तो दोनों में क्या डिफरेंट है, हम इसकी बात करेंगे, और यही हम लोग समझेंगे कि आखिर तापमान को मापने के लिए चार पैमाने क्यों बनाए गए, जबकि केल्विन भी तापमान को मापता है, सेल्सियस भी तापमान को मेजर करता है, फॉरेनहाइट भी तापमान को मापता है, और आप जानते हैं कि रिमर एक पैमाना है उच्च ताप मापने का, ये भी तापमान को मापता है। तो एक ही चीज को मेजर करने के लिए चार चीजें क्यों बनाई गई, हम इस सब पर विस्तृत चर्चा करेंगे। यहां पर न्यूटन का शीतलन का नियम आप पढ़ेंगे, तो बहुत सारी कुछ अनेक चीजें आपको मिलने वाली है कि ऊष्मा का ट्रांसमिशन कैसे होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊष्मा कैसे जाती है। तो दोस्तों आइए शुरू करेंगे ऊष्मा गति के गतिकी को, और ऊष्मा गतिकी में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ऊष्मा और तापमान के बारे में, हीट एंड टेम्परेचर, ऊष्मा और तापमान। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऊष्मा और तापमान को, जैसे हम पढ़ते हैं उसी अंदाज में पढ़ेंगे और बहुत आसानी से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। हीट एंड टेम्परेचर दोस्तों, हीट एंड टेम्परेचर ऊष्मा और तापमान। तो सबसे पहले दोस्तों हम समझेंगे यहां पर ऊष्मा गतिकी किसे कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऊष्मा गतिकी, देखिए ऊष्मा गतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम ऊष्मा और यांत्रिक, जो यांत्रिक क्रिया होती है या जो यांत्रिक ऊर्जा होती है उसके बीच जो भी संबंध होता है उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्मा गतिकी कहेंगे, और आज हम इसी के बारे में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर ऊष्मा गतिकी की बात की जाए तो इसमें ऊष्मा और तापमान दो चीजें हैं, हम दोनों को समझेंगे कि यह हीट किसे कहेंगे और टेम्परेचर किसे कहेंगे, तो ऊष्मा किसे कहेंगे और तापमान किसे कहेंगे, ऊष्मा किसे कहेंगे और तापमान किसे कहेंगे। तो सबसे पहले अपने अंदाज में आइए इसको पहले समझते हैं। देखिए अभी कुछ लोग ऐसे जो उसको जब पढ़ेंगे तो उनको एक सी फीलिंग आती, दोनों एक ही होगा, लेकिन दोनों में डिफरेंट है। अगर दोस्तों हम ऊष्मा की बात करें तो देखिए कोई भी वस्तु ठंडी है या गर्म है, कोई वस्तु ठंडी या गर्म है उसका जो आभास हम करते हैं वही तो ऊष्मा है, और ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। लेकिन वस्तु कितनी ठंडी और कितनी गर्म है ये मापते हैं वो तापमान है। जैसे अगर हम बात करें दोस्तों, जो ऊष्मा है कुछ कार्य करवाती है, कुछ कार्य करती है, और ऊष्मा ये क्या दोस्तों कार्य करती है बताएंगे भी आगे। और हां ये भी जानते रहना, ऊष्मा क्या होती, एक प्रकार की ऊर्जा है दोस्तों, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है,
और हम कहेंगे किसी वस्तु के ठंडेपन, कोई वस्तु ठंडी है कि गर्म है, किसी वस्तु के ठंडेपन या किसी वस्तु की गर्माहट, किसी वस्तु की गर्माहट, किसी वस्तु के ठंडेपन और किसी वस्तु की गर्माहट का जो हम आभास करते हैं वही दोस्तों क्या है, वही तो ऊष्मा है। तो किसी वस्तु के ठंडेपन और किसी वस्तु की गर्माहट का जो आभास है वही ऊष्मा है, और ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, अधिक ताप से कम ताप मान की ओर जाती है, और ऊष्मा का स्थानांतरण तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों वस्तुओं का तापमान एक समान ना हो जाए। तो दोस्तों ये थी ऊष्मा, यानी ठंडेपन और गर्माहट का आभास ऊष्मा है। अब यहां तापमान को समझते हैं एक नजर में, तापमान क्या है। देखिए तापमान यानी ऊष्मा का मापन करना, दोस्तों यही देखिए सेम कहेंगे कि वस्तु के ठंडेपन, वस्तु के ठंडेपन, ठंडेपन और वस्तु की गर्माहट, तो वस्तु कितनी गर्म है और वस्तु कितनी ठंडी है, यहां कितना लगा देंगे, क्वांटिटी पूछ रहा है। तो वस्तु की गर्माहट और वस्तु के ठंडेपन का मापन ये क्या होता है, तापमान कहलाता है। इसे मैंने कहा आज बहुत ठंडी है या बहुत गर्मी है, लेकिन किसी और सर ने मुझसे कहा कि सर आज का तापमान तो 30 डिग्री सेल्सियस है, यानी उन्होंने क्या किया, उस गर्मी का मापन करके बताया कि आज की जो गर्मी है वो कितनी है, वो 30 डिग्री सेल्सियस है। अर्थात दोस्तों ऊष्मा यानी ठंडेपन और गर्माहट की माप जो होती है वह तापमान है, और ठंडेपन और गर्माहट का जो आभास होता है उसे हम कहते हैं ऊष्मा। आइए विस्तृत तौर पर चर्चा करते हैं ऊष्मा के बारे में कि ऊष्मा को हम क्या कह सकते हैं। अगर दोस्तों हम चर्चा करें ऊष्मा के विषय में, देखिए अभी हमने क्या समझा, कॉमन चीज समझा ऊष्मा के बारे में, लेकिन अगर ऊष्मा को हम परिभाषित करने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं ऊष्मा को। अगर हीट को हम परिभाषित करें तो हीट को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, जरा आप देखिए। सपोज करिए कि मेरे पास यहां देखिए गांव में दोस्तों क्या होता है, अलाव जलता है। सपोज करिए यहां हमने अलाव जलाया हुआ है, हमने क्या किया है, अलाव जलाया हुआ है, यानी कि आग जलाई हुई है, और ये देखिए आग से ज्वाला निकल रही है, खूब यही ज्वाला है दोस्तों आपके अंदर निकलनी चाहिए तैयारी के लिए। देखिए बिल्कुल आग ये जल रही है, और आग जल रही है यहां से दोस्तों क्या निकल रही है, बकायदे खूब ऊष्मा निकल रही है ना। अब देखिए हमने क्या किया, हमारे पास एक रॉड है, हमारे हाथ में दोस्तों क्या है, एक रॉड है, और हमने क्या किया, इस रॉड को कहां डाल दिया, इस आग के अंदर। जब हमने रॉड को आग में डाला तो अभी आप क्या समझ रहे हैं, किसका तापमान अधिक है, इस रॉड का कि इस ऊष्मा, इस जो है जलती हुई आग का। तो हम कहेंगे इस जलती हुई आग का तापमान ज्यादा है, और इस रॉड का तापमान क्या है, लोहे की रॉड का, लोहे की छड़ का तापमान क्या है, कम है, हम ये कह सकते हैं। अब दोनों के तापमान में क्या हुआ, अंतर हुआ। तो दोस्तों हम कहते हैं कि जब हमें इस कम ताप वाले लोहे की छड़ को जब हम आग में डालते हैं तो आग में डालते ही यह लोहे की छड़ का तापमान कम है और इस आग का तापमान ज्यादा है। जैसे हमने इसको डाला कहां पर, इस आग के अंदर, ये लोहे की छड़ गर्म होना शुरू हो गई। सबसे पहले लोहे का ये हिस्सा गर्म होता है जो कहां पर है, जो बिल्कुल आग में है। तो सबसे पहले लोहे का ये अंदर वाला हिस्सा गर्म होता है, और दोस्तों फिर धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे ऊष्मा इस लोहे के पूरे हिस्से को गर्म करना शुरू कर देती है। इस छड़ को अपने हाथ से पकड़ते हैं, हमारा हाथ जल जाता है। इसका मतलब ऊष्मा अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर स्थानांतरित हो रही है, और ये तब तक ऊष्मा इस छड़ में आती रहेगी जब तक दोनों का तापमान बराबर ना हो जाए। तो यही पर ऊष्मा की एक परिभाषा हम देते हैं, और परिभाषा देते हुए हम क्या कहते हैं दोस्तों, हम ये कहते हैं कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, कहते हैं कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है कि ऊर्जा है जो दो वस्तुओं के बीच, एक प्रकार की ऊर्जा है
जो दो वस्तुओं के बीच, दो वस्तुओं के बीच के बीच उनके तापमान में अंतर के कारण, उनके तापांतर यानी तापमान में अंतर के कारण, के कारण अधिक ताप वाली वस्तु से अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर स्थानांतरित होती है। ऊष्मा का स्थानांतरण तब तक होता है जब तक दोनों वस्तुओं का तापमान एक समान ना हो जाए। देख लीजिए, ये ऊष्मा को हम परिभाषित करते हैं, जब तक कि दोनों वस्तुओं का तापमान एक समान ना हो जाए तब तक ये ऊष्मा अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर जाती रहेगी। और जब ऊष्मा का ट्रांसमिशन होता है, जब ऊष्मा उच्च ताप से निम्न तापमान की ओर जाती है, तो दोस्तों उसी समय क्या कहलाती है, ये ऊष्मा कहलाती है। तो देखिए, ऊष्मा की परिभाषा हमने समझ ली और ये ध्यान दिया हमने कि ऊष्मा हमेशा स्थानांतरित होती रहती है, ये ऊष्मा की परिभाषा है। अब कई बार परीक्षाओं में, जैसा कि हम देखते हैं शिक्षक भर्ती की भी परीक्षा में, कई बार ऊष्मा के मात्रक पूछता है कि ऊष्मा को मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं। अगर हम ऊष्मा के मात्रक की बात करें कि ऊष्मा को मापने के लिए हम लोग क्या क्या कर देते हैं या किसका यूज करते हैं, किस पैमाने का प्रयोग करते हैं, तो आइए हम ऊष्मा को मापने के पैमाने की बात करें आप सभी से। तो दोस्तों ऊष्मा को मापने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, तो हम यहां कहेंगे ऊष्मा के मात्रक। जैसे आप जानते हैं, हम किसी वस्तु को जब मापते हैं तो उसके मापने के लिए कोई ना कोई इकाई होती है। दोस्तों वर्तमान में क्या चल रहा है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट चल रही है। आप जानते हैं हर एक देश में किसी भी वस्तु को मापने के लिए क्या करते हैं, एसआई सिस्टम का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, एसआई सिस्टम का प्रयोग करते हैं, इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ठीक है ना दोस्तों। ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति है किसी वस्तु को मापने के लिए। जैसे हम द्रव्यमान को मापते हैं किलोग्राम में, समय को मापते हैं सेकेंड में, लंबाई को मापते हैं मीटर में, दोस्तों उसी तरह से एसआई सिस्टम में ऊष्मा को क्या समझेंगे। देखिए ऊष्मा के एक्चुअली में दो मात्रक हैं, एक दोस्तों हम कहते हैं एक एसआई सिस्टम है और एक उसका व्यवहारिक मात्रक है, यानी ऊष्मा को हम व्यवहारिक मात्रकों से भी मापते हैं। तो ऊष्मा के हम दो मात्रक बनाते हैं, एक होता है एसआई मात्रक। एसआई सिस्टम में हम ऊष्मा को क्या समझते हैं, एसआई मात्रक एक हो जाएगा ऊष्मा का, और दोस्तों एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा व्यवहारिक मात्रक। तो अगर यहां पर ऊष्मा के एसआई सिस्टम की बात करें, दोस्तों ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा क्या है, यह एक प्रकार की ऊर्जा है और कोई भी ऊर्जा दोस्तों क्या करती है, आपसे कार्य करवाती है। कोई भी ऊर्जा होती है क्या करती है, आपसे कार्य करवाती है। और कार्य का मात्रक आप जानते हैं क्या होता है, जूल। तो यहां पर हम कहेंगे ऊष्मा का मात्रक क्या है, यहां दोस्तों हम कहेंगे कि जो ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या हो जाता है, वो जूल होता है, ठीक है। क्योंकि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है और जो ऊर्जा है वो आपसे कार्य करवाएगी, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है दोस्तों। इसलिए हम कहेंगे यहां ऊष्मा का जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है, जूल होता है। अब यहां पर ऊष्मा के व्यवहारिक मात्रक की बात करें तो ऊष्मा के बहुत सारे व्यवहारिक मात्रक हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, यहां अगर बात करें हम लोग
तो कैलोरी के बारे में, कैलोरी और किलो कैलोरी, किलो कैलोरी और अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी, अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी, कैलोरी और यहां पर हम पढ़ते हैं नेक्स्ट जिसको हम कहते हैं ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ये दोस्तों क्या होती है, चारों हम कहेंगे ऊष्मा के व्यवहारिक मात्रक हैं, ठीक है ना। कैलोरी, किलो कैलोरी, अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी, या दोस्तों हम कहते हैं, या हम कहते हैं ब्रिटिश थर्मल यूनिट। देखिए दोस्तों परीक्षाओं का दौर शुरू हो चुका है, अब आप सभी को कमर कस करके लगना पड़ेगा। अब तक बहुत हो गई लापरवाही, लापरवाही को छोड़िए, परीक्षाओं का समय आ गया है। समझ लीजिए कि आपके लिए मेला अब लगना शुरू हुआ है, तो अच्छे से तैयारी करिए दोस्तों। हमेशा मैं कहूंगा आप सभी से कि हमेशा आप एक सफल बनने की कोशिश करिए, सफलता के लिए पढ़िए भले से, लेकिन हमेशा सफल बनने की कोशिश करिए। और दोस्तों सफलता आपको तब मिलेगी, देखिए सफलता का मतलब क्या होता है, ये तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं दोस्तों। तो सफलता का मतलब क्या होता है कि आप एक संकल्प करिए और एक लक्ष्य बनाइए, फैसला करिए और दोस्तों आगे बढ़ते रहिए, ये सफल होने का लक्ष्य है। अगर हम सफल की बात करें तो सफल क्या कहता है, सफल एक अपने आप में शब्द है दोस्तों, कहता है संकल्प लीजिए, फैसला करिए और एक लक्ष्य बनाइए, तभी आप सफल हो सकते हैं। और दोस्तों सफलता क्या कहती है, सफलता आपसे छह चीजें मांगती है। सफलता आपसे दोस्तों क्या कहती है, वो आपसे छह चीजें मांगती है। और दोस्तों ये क्या क्या है, ये आपसे मेहनत मांगती है। निरंतर दोस्तों क्या करिए, आप मेहनत करते रहिए। सफलता आपसे कहती है कि आप निरंतर प्रयास करते रहिए। दोस्तों सफलता आपसे बलिदान मांगती है कि अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाओ। और सफलता आपसे क्या कहती है कि संघर्ष करो, हमेशा लड़ाई लड़ते रहो, तैयारी करते रहो। और दोस्तों ये कहती है कि जुनून, अपने अंदर कभी भी जुनून को कम मत होने देना दोस्तों। सफलता आपसे क्या मांगती है, जुनून मांगती है। और सबसे बड़ी बात ये कहती है कि पेशेंस रखो, धैर्य रखो, सब्र रखो। दोस्तों ये धैर्य सब्र जिसे कहते हैं, ये आपसे सब्र मांगती है कि सब्र करिए, आगे बढ़िए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये आपसे विश्वास मांगती है, आप खुद पर विश्वास करिए, अपने आप पर विश्वास करिए, अपनी तैयारी पर विश्वास करिए। यह सोचिए कि जो शिक्षक भर्ती की परीक्षा आई है इसमें आपका ही हो सकता है और किसी का नहीं होगा, ये शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा है इसमें एक सीट आपकी है और किसी की नहीं है, यह समझकर तैयारी करिए। तो खुद पर विश्वास करिए और निरंतर दोस्तों मेहनत करिए, बलिदान दीजिए, संघर्ष करिए, अपने अंदर जुनून को बनाए रखिए, धैर्य रखिए और विश्वास, सबसे बड़ी बात क्या है, विश्वास रखिए। हम पर विश्वास करिए, खुद पर विश्वास करिए और निरंतर आगे बढ़ते रहिए, निश्चित तौर पर सफलता आपको मिलेगी। कुछ लोग ये सोचते हैं मेरे भाई लोग कि अभी तो वैकेंसी अनाउंस हुई है, बाद में पढ़ेंगे, 10 दिन बाद पढ़ेंगे, जब नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ेंगे, विज्ञापन आएगा तब पढ़ेंगे, डेट आएगी तब पढ़ेंगे, एडमिट कार्ड आएगा तब पढ़ेंगे। ध्यान रखना, लोग कहते हैं कि आज नहीं कल पढ़ेंगे, कल नहीं परसों पढ़ेंगे, नर्सों पढ़ेंगे, चिल्लाते रहते हैं। मैं कहता हूं जो कहता है कल उसका दिन जाता है निकल, जो कहता है परसों उसके बीत जाते हैं बरसों, और जो कहता है आज वही करता है राज। तो लग जाइए आज से और अभी से, तुरंत दोस्तों शुरू कर दीजिए और झंडे गाड़िए इस परीक्षा में, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया, तो यहां देखिए हम समझेंगे कि जो व्यवहारिक मात्रक हैं वो क्या हैं, क्योंकि यहां दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम व्यवहारिक मात्रकों की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैलोरी, कि कैलोरी हम किसे कहते हैं। दोस्तों कैलोरी की बात करी जाए तो कैलोरी हम किसे कहते हैं, क्योंकि ये ऊष्मा का व्यवहारिक मात्रक है। देखिए कैलोरी की बात की जाए तो हम कहते हैं कि 1 ग्राम जल अगर हमारे पास है, 1 ग्राम शुद्ध जल है, और 1 ग्राम शुद्ध जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको हम कैलोरी कहते हैं। दोस्तों मान लीजिए अभी हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास हमने कोई द्रव लिया हुआ है, ठीक है ना। हमने क्या लिया हुआ है, हमने दोस्तों यहां पर कोई द्रव रखा हुआ है, यहां देखिए क्या है, कोई द्रव है, और ये द्रव क्या है,
द्रव सपोज करिए कि ये जल है, ये जल है। आप जल के बारे में जानते होंगे कि जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है और जल की डेंसिटी, जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। ये हम जल के बारे में जानते हैं दोस्तों। अब देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास दोस्तों जल है, या हम कहें कि हमारे पास क्या है, शुद्ध जल है। और शुद्ध जल है, और इस शुद्ध जल की क्वांटिटी कितनी है हमारे पास दोस्तों, 1 ग्राम शुद्ध जल है। कितना? 1 ग्राम शुद्ध जल है। और मैंने फिर कहा आपसे जो जल होता है, जल का घनत्व अधिकतम कब होता है, 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक। और दोस्तों जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट का मतलब यह है कि 1 ग्राम पदार्थ के द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। तो यहां देखिए दोस्तों हमारे पास 1 ग्राम जल है, 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस। देखिए 1 ग्राम हमारे पास क्या है, 1 ग्राम जल, 1 ग्राम जल का जो तापमान है, ताप है, वो कितना 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है वो कैलोरी है। लेकिन हम जानते हैं कि जल का सामान्य ताप कितना होता है, जल का सामान्य ताप होता है 14 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है भाई, 14 डिग्री सेल्सियस होता है। इसीलिए यहां पर अंतरराष्ट्रीय, जो यहां पर अंतरराष्ट्रीय मानक है दोस्तों, उसने क्या कहा, अंतरराष्ट्रीय मानक ने कहा कि अगर 1 ग्राम जल है, 1 ग्राम जल है और 1 ग्राम शुद्ध जल का तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या है, अंतरराष्ट्रीय कैलोरी है। तो हमने देखा कि 1 ग्राम शुद्ध जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या थी, कैलोरी। लेकिन 1 ग्राम शुद्ध जल का तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या है, अंतरराष्ट्रीय कैलोरी है। लेकिन यहां पर मान कैसे कैसे बदल रहा है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहां पर दिया हुआ किलो कैलोरी, हम जानते हैं कि 1 किलो कैलोरी में 1000 कैलोरी होता है। अब देखिए यहां पर क्या दिया हुआ, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। और हम जानते हैं जो BTHU है, एक ब्रिटिश सिस्टम है, ब्रिटिश सिस्टम। आपने दोस्तों पढ़ा होगा FPS के बारे में, FPS फुट पाउंड और सेकंड। ये FPS ऐसा सिस्टम है जहां पर हम लोग क्या करते हैं, लंबाई को फुट में मापते हैं दोस्तों, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापते हैं। यही FPS सिस्टम में जो ऊष्मा का मात्रक है वो ब्रिटिश थर्मल यूनिट है। अब जाहिर सी बात है दोस्तों यहां पर द्रव्यमान के लिए हम क्या करेंगे, पाउंड का प्रयोग करेंगे। यानी अब तक यहां इस जल के द्रव्यमान के लिए हमने ग्राम का प्रयोग किया था और यहां क्या करेंगे, पाउंड का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों पाउंड का प्रयोग करेंगे और तापमान के लिए हम लोग सेल्सियस नहीं बल्कि डिग्री फारेनहाइट का प्रयोग करेंगे। तो देखिए हम कैसे परिभाषा को चेंज करेंगे, हम यहां पर यह कह देंगे कि हमारे पास 1 पाउंड जल है, ठीक है ना। 1 पाउंड शुद्ध जल का तापमान 1 डिग्री फारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट है। यानी 1 पाउंड, सोचिए 1 पाउंड जल का तापमान कितना बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री फारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट दोस्तों कही जाती है। अब आपने कई बार यह सुना होगा, कई बार यह देखा होगा कि जो परीक्षा में क्वेश्चन बना हुआ है कि अगर इन सबका संबंध आपस में है तो यह बताइए कि एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट में, एक BTHU में कितनी कैलोरी होता है। तो हम कहते हैं 252 कैलोरी। और दोस्तों यह बहुत ही पेट क्वेश्चन है कि एक कैलोरी बराबर कितने जूल के होता है। क्वेश्चन काफी पेट यह भी आ चुका है कि एक कैलोरी बराबर कितने जूल होता है। तो अगर दोस्तों क्वेश्चन ऐसा बनता है कि एक कैलोरी में कितना जूल होता है, तो हम जानते हैं कि 4.186 जूल कई जगह मिलता है, 4.2 जूल। अगर दोस्तों इसको हम डिवाइड करेंगे आगे तो हम मिल जाएगा हमें कि एक जूल बराबर कितना होता है, 0.24 कैलोरी। ये आपको
समझना होगा कि आगे की परीक्षाओं में ऐसा जो आगे हम लोग पढ़ेंगे इन सब का कहीं ना कहीं रोल होने वाला है। और हाँ, 1 किलो कैलोरी जो होता है वो होता है 1000 कैलोरी के, ये भी आप जानते रहिए। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये आगे की गणनाओं में बहुत काम आने वाला है, इसलिए मैंने इसको पहले यहां पर लिख दिया है। तो आप समझ चुके होंगे कि 1 ग्राम शुद्ध जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा चाहिए वो कैलोरी है, और 1 ग्राम शुद्ध जल का तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या है, अंतरराष्ट्रीय कैलोरी है, और 1 पौंड जल का तापमान 1 डिग्री फारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या है। तो इसे हम कहते हैं कि ये दोस्तों ब्रिटिश थर्मल यूनिट कही जाती है। अब यहां देखिए, हमने ऊष्मा के बारे में समझ लिया, आइए हम तापमान को समझते हैं कि दोस्तों तापमान क्या होता है। देखिए, तापमान की बात करी जाए तो टेम्परेचर, तापमान, टेम्परेचर, तो अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर क्या है, ये क्या कहता। अभी मैंने आपसे कहा था कि दोस्तों अगर किसी वस्तु में ऊष्मा दी जाए तो उस वस्तु पर ऊष्मा का प्रभाव क्या पड़ता है, यही तो तापमान है, या किसी वस्तु की शीतलता और उष्णता का जो मापन होता है उसी को तापमान कहते हैं। कोई भी वस्तु है, अगर हमने उसमें ऊष्मा दिया तो ऊष्मा देने के बाद उस पर प्रभाव क्या पड़ा, वो ठंडी रही कि गर्म रही, कितनी ठंडी कितनी गर्म रही, यही तो तापमान है। या किसी वस्तु में शीतलता और उष्णता की माप को हम क्या कहते हैं, तापमान कहते हैं। और बता दूं आप सभी को दोस्तों, जो तापमान है, तापमान को मापने के लिए बहुत सारे मात्रकों का प्रयोग करते हैं। अगर तापमान को मापने के लिए हम कितने मात्रक का प्रयोग करेंगे तो आइए देखते हैं। देखिए, जब तापमान को हम मेजर करते हैं तो आपने देखा होगा कि तापमान को मापने के लिए कहीं पर हम केल्विन का प्रयोग करते हैं, केल्विन, और कहीं पर हम सेल्सियस का प्रयोग करते हैं, सेल्सियस, फारेनहाइट का प्रयोग करते हैं, फारेनहाइट का प्रयोग करेंगे, और र्यूमर का प्रयोग करेंगे। भाई, एक ही चीज को मापने के लिए इतने सारे पैमाने क्यों बनाए गए। देखिए दोस्तों, अगर बात करें हम लोग केल्विन की, जो केल्विन है वो एसआई मात्रक है, यानी कि इसको लीगली ये इसको अधिकार प्राप्त है कि तापमान को यही माप सकता है और कोई नहीं, ये लीगल है क्योंकि ये एसआई यूनिट है। दोस्तों क्या है ये एसआई यूनिट है, तो ये लीगल है। देखिए, अब अगर हम इसकी बात करें तो दोस्तों सबसे पहले 1852 में लॉर्ड केल्विन ने क्या किया था, ये केल्विन की खोज की थी। और दोस्तों बता दें आप सभी को कि तापमान को मापने के लिए लीगल अधिकार इन्हीं को दिया गया है। तो 1852 में, कब 1852 में दोस्तों, केल्विन, जो लॉर्ड केल्विन ने क्या किया, इसका आविष्कार जो किया हुआ था। अब अगर हम बात करें यहां पर सेल्सियस की, दोस्तों अब केल्विन को हम जानते हैं कि 273 केल्विन से 373 केल्विन के बीच तापमान को यह मापता है। सबसे बड़ी समस्या है कि अगर केल्विन था तो हम सेल्सियस क्यों बनाएं। जैसे अगर देख लीजिए, कमरे का तापमान दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में निकालना है तो इसमें प्लस कर देते हैं 273 डिग्री सेल्सियस। अब 273 केल्विन कर देते हैं, 200 क्या आता है यहां पर, देखिए यहां पर आ जाएगा 7 × 3 = 10 और 7 × 2 = 9 = 10। दोस्तों यहां पर क्या आ जाएगा, 300, तो यहां 300 केल्विन, तो ये बहुत भारी भरकम आंकड़ा होता है कमरे का तापमान 300 केल्विन, तो ये इतने भारी भरकम आंकड़े को हम नहीं समझ पाते हैं। तो दोस्तों हमने क्या किया, फिर एक सेल्सियस महोदय थे दोस्तों, ये समय की बात लगभग जो है लगभग 1742 की बात है, 1742 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे, स्वीडन वैज्ञानिक सेल्सियस। दोस्तों सेल्सियस ने क्या किया था, स्वीडिश वैज्ञानिक थे, सेल्सियस ने क्या किया था, लगभग 1742 में एक नए तापमान की खोज की, जिसका दोस्तों नाम क्या था, सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। और डिग्री सेल्सियस का अधिकतम प्रयोग किया जाता है वर्तमान समय में, आप देखेंगे। लेकिन दोस्तों डिग्री सेल्सियस से हम बहुत छोटे छोटे तापमान को नहीं माप सकते। जैसे आप देखिए, हमारी बॉडी का तापमान क्या होता है, हमारी बॉडी का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, या हम कहते हैं 98.6 डिग्री फारेनहाइट।
अब देखिए, हमने आखिर सेल्सियस को छोड़ करके फारेनहाइट का आविष्कार क्यों किया? अगर हमारे शरीर का तापमान 98.7 हो जाए, 98.9 हो जाए, तो ये देखिए तापमान भले हमारा पॉइंट में बढ़ रहा है, लेकिन हमारे शरीर में बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं। तापमान के घटने और बढ़ने से वो एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर की अंदर की क्रियाएं प्रभावित होती हैं। दोस्तों, इसलिए कम से कम तापमान को मापने के लिए हमने क्या किया, हमने इजाद किया फारेनहाइट को। दोस्तों 1717 की बात है, 1717 में दोस्तों क्या हुआ था, यहां पर फारेनहाइट ने क्या किया कि शरीर का तापमान मापने के लिए, मानव शरीर का तापमान मापने के लिए, मानव शरीर का ताप मापने के लिए फारेनहाइट का आविष्कार किया। ये फारेनहाइट ऐसी युक्ति है जो कम से कम तापमान को आसानी से माप सकती है, क्योंकि इसमें 180 खाने होते हैं, 180 अंतर होते हैं, इसलिए हम छोटे से छोटे तापमान को भी मेजर कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद देखिए क्या हुआ, यहां जो फारेनहाइट थे ये जर्मन साइंटिस्ट थे, और उसके बाद बात करेंगे र्यूमर की। दोस्तों तो र्यूमर हमेशा उच्च ताप को मापने के लिए, उच्च ताप को मापने के लिए र्यूमर पैमाना इजाद किया गया था। तो चारों पैमाने देखिए इस प्रकार बनाए गए थे, केल्विन, सेल्सियस, फारेनहाइट और र्यूमर। दोस्तों आइए हम इन सभी के बारे में अच्छे से और विस्तृत पढ़ते हैं, देखते हैं कि इनमें दोस्तों क्या डिफरेंट है, या आगे देखिए इनको मापने के लिए कैसे इनको हम यूज में लाते हैं। दोस्तों हम जानते हैं, तो आइए समझते हैं कि तापमान को हम कैसे मापते हैं। दोस्तों जैसे क्या हुआ कि हमने यहां पर देख लीजिए, हमने क्या लिया, यहां पर एक तापमान को मापने का पैमाना हमने ले लिया है, और आप जानते हैं कि तापमान को मापने के लिए जो पैमाना होता है उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, उसमें हम पारे का प्रयोग करते हैं। देखिए दोस्तों यहां पर हमने लिया बर्फ, बर्फ ले लिया, नीचे देखिए हमने क्या किया, नीचे की ओर हमने रख दिया बर्फ, इसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और दोस्तों ऊपर क्या ले लिया हमने, उबलता हुआ जल, अब उबलता जल लिया है, उबलते जल का तापमान कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए यहां पर जब पारा नीचे दोस्तों रहेगा, जब पारा कहां रहेगा, नीचे रहेगा, तो इसका मतलब इसे हम क्या बोलेंगे, हिमांक बिंदु बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हिमांक बिंदु कहेंगे। और जब पारा ऊपर पहुंच जाएगा, कहां पर, जब पारा ऊपर पहुंच जाएगा यहां देखिए, तो हम कहेंगे वस्तु बहुत गर्म हो गई है। इसका मतलब दोस्तों जब पारा बहुत ऊपर रहेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्वथनांक बिंदु कहेंगे, क्या बोलेंगे, क्वथनांक बिंदु कहेंगे। अब हम देखिए क्या करते हैं, हम क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु दोनों के बीच का अंतर निकालते, क्या निकालते हैं, अंतर निकालते, दोनों के बीच का अंतर निकालते हैं, और अंतर निकालने के बाद हम डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट का निर्माण करते हैं। आइए इस पॉइंट को समझते हैं। देखिए जिस तापमान को मापने के लिए दोस्तों एक दो तीन चार इकाइयां बनाई गई हैं, सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर। तो यहां देखिए जिस सेल्सियस की बात करते हैं दोस्तों, सेल्सियस में जो हिमांक होता है, जो सेल्सियस में हिमांक होता है, फ्रीजिंग होती है, हिमांक बिंदु होता है सबसे नीचे, और दोस्तों बॉइलिंग पॉइंट जिसको हम कहते हैं क्वथनांक, देखिए ये क्या होता है, ऊपर होता है। हिमांक बिंदु को हम कहते हैं 0 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक बिंदु को हम कहते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। अब इस 0 और 100 के बीच कितने डिफरेंट हैं, कितने अंतर हैं, अगर दोस्तों हम अंतर की बात करें, यहां देखिए 100 लाइनें ऐसे खींच देते हैं, यानी 100 खाने इसमें बनाते हैं, इसका मतलब 0 और 100 के बीच 100 अंतर है। अगर 100 अंतर है तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहां पर जो एक खाना है, एक खाना बराबर क्या हो जाता है, 1 डिग्री सेल्सियस। ये इसमें हम कह सकते हैं दोस्तों, जो एक खाना है, यानी हमने क्या किया, इसको 100 भागों में डिवाइड कर दिया, इसका जो प्रत्येक भाग है वो 1 डिग्री सेल्सियस है। 0 से 100 तक 100 भागों में डिवाइड किया, इसका जो एक भाग है, प्रत्येक भाग क्या है, 1 डिग्री सेल्सियस है। वही अगर हम बात करें फारेनहाइट की, दोस्तों फारेनहाइट में भी ऐसे ही होता है। देखिए जैसे नीचे क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। दोस्तों ऊपर क्या हो गया, यहां पर, यहां पर भी ऊपर बॉइलिंग पॉइंट हो गया। तो नीचे फ्रीजिंग पॉइंट, ऊपर बॉइलिंग पॉइंट, और फ्रीजिंग कितना होता है, 32
डिग्री फॉरेनहाइट और बॉइलिंग कितना होता है 212 डिग्री फॉरेनहाइट, 212 डिग्री फॉरेनहाइट। अगर इन दोनों के बीच का हम अंतर निकालेंगे तो इन दोनों के बीच 180 का अंतर आ रहा है, यानी दोस्तों इस दोनों के बीच क्या होते हैं 180 खाने होते हैं। जो इन दोनों के बीच का अंतर है वो अंतर कितना है, ये अंतर आया 180, और यहां जो अंतर था दोनों के बीच का, दोनों के बीच का अंतर कितना है वो 100 था, तो 100 खाने बने। दोनों के बीच का अंतर कितना 180, तो कितने खाने बनेंगे 180 खाने बनेंगे दोस्तों, यानी 180 भाग बना। और दोस्तों प्रत्येक भाग क्या होता है एक डिग्री फारेनहाइट होता है, प्रत्येक भाग क्या होगा एक डिग्री फारेनहाइट होगा। तो देख लीजिए आप लोग कितने अंतर आ रहे हैं। अगर हम लोग केल्विन की बात करें ऐसे ही, तो दोस्तों केल्विन में जो फ्रीजिंग पॉइंट इसका होता है, जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है केल्विन में, जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है दोस्तों, वो होता है 273 केल्विन होता है, ठीक है ना। और यहां जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है 373 केल्विन होता है। अब दोनों के बीच का अगर अंतर आप देखेंगे तो दोनों के बीच कितना अंतर आ रहा है, 100 का अंतर आ रहा है, यानी इसमें 100 खाने होंगे, 100 भाग इसमें बनाए जाएंगे, और प्रत्येक भाग दोस्तों क्या होगा एक केल्विन का होगा। ठीक, यहां पर र्यूमर की बात भी कर लेते हैं। जो र्यूमर है, र्यूमर में जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, हिमांक बिंदु होगा, वो जीरो र्यूमर का होता है, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं क्वथनांक बिंदु, दोस्तों कितना होता है 80 र्यूमर का होता है। तो दोनों के बीच कितना अंतर आया, अगर अंतर देखें तो अंतर यहां पर 80 का आ रहा है, यानी प्रत्येक भाग एक र्यूमर का होता है। तो दोस्तों इस तरह से ये तापमापी बनाए गए थे। और अगर इनमें हम अंतर की बात करें कि भिन्न भिन्न तापमापियों में क्या डिफरेंट है, क्या अंतर है, दोस्तों आइए हम अंतर को स्पष्ट करते हैं। देखिए अंतर जब निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग पैमाने में क्या करेंगे, उसके हिमांक को क्या करेंगे घटा देंगे। जब हम तापमापियों में अंतर निकालते हैं, ताप मापियों में अंतर, जब तापमापियों में अंतर निकालते हैं तो तापमापियों में अंतर कैसे निकालते हैं, या तापमापियों में संबंध कैसे निकालते हैं, संबंध कैसे निकालते हैं, आइए इसे हम देखते हैं। तो अगर हम तापमापियों में संबंध की बात करें आप सभी से, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहां सबसे पहले क्या करेंगे, हम तापमापियों में जो मात्रक है जैसे सेल्सियस में, सेल्सियस में क्या करेंगे हिमांक बिंदु को घटाएंगे और उसके अंतर से भाग दे देंगे। जैसे दोस्तों हम कहेंगे कि C माइनस जीरो, अब जीरो क्या है सेल्सियस का ये फ्रीजिंग पॉइंट है, हिमांक बिंदु है, बटे क्या है इसका जो अंतर आता है जीरो और सौ के बीच, बटे सौ। फिर इसको दोस्तों बराबर करेंगे, आगे देखते हैं तो एफ और इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 32, बटे कितना अंतर है 180 का। अब आगे देखते हैं के माइनस 273, कितना अंतर है 100 का अंतर है। फिर वही दोस्तों आर माइनस क्या हो जाएगा, हिमांक कितना है जीरो है, बटे 80, ये 80 का अंतर है। यहां पर आपको कुछ देखने को मिल रहा है, जी हां देखने को यह मिल रहा है कि यहां पर हमें 20 सब में कॉमन लग रहा है, 20 इस सब में कॉमन मिल रहा है। तो 20 दोस्तों क्या है, 20 कॉमन है सब में, अगर 20 सब में कॉमन है तो 20 पंचे 100 और 20 नवैया 180, यहां दोस्तों 20 पंचे 100 और 20 सौ को 80, इसको हम और डिवाइड कर सकते हैं। अब यहां देखिए दोस्तों अगर सी अगर जो है, अगर यहां पर जीरो में सी घटाएंगे तो ये घटेगा नहीं, तो ये जीरो जीरो हो जाएगा, हम कहेंगे सी बटा 5 बराबर एफ ऋण 32 बटा कितना आ गया 9 बराबर के माइनस 273 अपान 5 बराबर आर अपान 4। ये भी संबंध देखिए हमने निकाल दिया है, इन ताप मापियों दोस्तों क्या संबंध होता है, यही संबंध होता है। अगर आपको सेल्सियस को ज्ञात करना है फॉरेनहाइट में तो इन दोनों का प्रयोग करेंगे, फॉरेनहाइट का केल्विन में तो इन दोनों का प्रयोग करेंगे, सेल्सियस का र्यूमर में तो इन दोनों का प्रयोग करेंगे। यहां कई बार दोस्तों इन दोनों को पूछता है, अगर हम इन दोनों की बात करें
तो देखिए आप क्या करेंगे, यहां पांच से पांच दोस्तों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर सी प्लस हो जाएगा 273। इसको हम ऐसे निकालते हैं। यह संबंध था भिन्न भिन्न तापमापियों के बीच। अब एक जो पॉइंट और आपको समझना है दोस्तों, वो पॉइंट यह समझना है कि कुछ पैमानों पर तापमान की बात कर लेते हैं, कुछ पैमानों पर तापमान की बात करेंगे, कुछ पैमानों पर तापमान, हम कुछ पैमानों पर तापमान की बात करने चल रहे हैं। देखते हैं कि ये क्या है। देखिए अब जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, कई बार पूछा गया है कमरे का ताप या शरीर का ताप या जल का ही मांग, जल का जमना किस तापमान पर होता है, या कमरे का तापमान कितना होता है, कमरे का तापमान कितना होता है, या शरीर का तापमान कितना होता है, शरीर का तापमान कितना होता है, या दोस्तों पूछता है कि जल का उबलना किस तापमान पर होता है। ये बेसिक पॉइंट समझ लीजिए हैं जो मैं आप सभी से डिस्कस कर रहा हूं। अगर इन सारे पॉइंट्स की बात करी जाए, देखते हैं हम लोग आगे, तो यहां हम पहले समझेंगे सेल्सियस में, फिर समझेंगे फॉरेनहाइट में, और फिर समझेंगे केल्विन में। तीनों में हम इसको समझने का प्रयास आगे कर रहे हैं। देखिए तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा हुआ है कि जल का जमना किस तापमान पर होता है। तो सबसे पहले हम जल के जमने की बात करते हैं, उसके बाद दोस्तों हम आगे की बात करेंगे। देखिए तो सबसे पहले जल का जमना किस तापमान पर होता है। देखिए तो यहां पर देखिए क्या दिया हुआ, डिग्री सेल्सियस पहले निकालेंगे, फिर डिग्री फॉरेनहाइट में, फिर केल्विन में, ठीक है ना। तो यहां जो जल होता है वो कितने पर जम जाता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस हम जानते हैं, या 32 डिग्री फॉरेनहाइट, ये भी हमने भी पढ़ा हुआ है, या 273 केल्विन, इसको भी हमने पढ़ा हुआ है। अब यहां दोस्तों कमरे का तापमान कितना होता है, तो अभी मैंने आपसे कहा था कि कमरे का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम इसको फॉरेनहाइट में निकाले तो दोस्तों ये कितना आएगा, लगभग आएगा 80.6 डिग्री फॉरेनहाइट और लगभग 300 केल्विन आएगा, क्योंकि 273 में प्लस कर दिया हमने कितना, सेल्सियस को। अब यहां एक पॉइंट और है, शरीर का तापमान कितना होता है, तो यह बहुत विवादित प्रश्न है, कई जगह पर कहीं मानता है, लेकिन लगभग हम निकालते हैं तो 36.9 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट या 310 केल्विन, ये शरीर का तापमान होता है। और अगर हम बात करें जल का उबलना, तो वह जानते हैं हम सभी लोग 100 डिग्री सेल्सियस पर या 212 डिग्री फॉरेनहाइट पर या दोस्तों 373 केल्विन पर जल क्या होता है, उबल जाता है, ठीक है। तो ये भिन्न भिन्न जो है पैमानों पर तापमान, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार बन जाता है। और फिर दोस्तों इसके बाद तापमापियों के बारे में क्वेश्चन बनता है, जैसे कि हम पारे का प्रयोग ही क्यों करते हैं, या ठंडे देशों में अल्कोहल का प्रयोग क्यों करते हैं तापमान को मापने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं जो पारा होता है, पारा -39 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है और 357 डिग्री सेल्सियस पर वो उबलता है। तो पारे के द्वारा -39 डिग्री सेल्सियस से 357 डिग्री सेल्सियस तक, या हम यूं कहते हैं कि पारे के द्वारा हम 40 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान मापते हैं। अगर अल्कोहल की बात करी जाए तो हम जानते हैं दोस्तों जो अल्कोहल होता है -110 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और -40 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करता है। तो अल्कोहल के द्वारा -40 डिग्री सेल्सियस से -10 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान हम मापते हैं। कई बार आपके एग्जाम में आता है कि गैस तापमापी कौन सा होता है या गैस तापमापियों से कैसे कैसे तापमान मापे जाते हैं। तो देखिए दो चीजें होती, एक हाइड्रोजन होता है और एक नाइट्रोजन। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दो ही गैसें ऐसी हैं जिनके द्वारा तापमान को मापते हैं, जिसमें हाइड्रोजन से 500 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान और नाइट्रोजन गैस से 1500 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान मापते हैं। आप ये जानते हैं कि डॉक्टरी थर्मामीटर में दोस्तों क्या होता है,
वहां जो पैमाना लगा होता है वो कितना होता है, डॉक्ट्री थर्मामीटर में जो पैमाना होता है वो 43 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस तक, ये उल्टा हो गया है दोस्तों, कितना होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 43 डिग्री सेल्सियस तक होता है, या अगर इसको हम फारेनहाइट में देखें तो दोस्तों 95 डिग्री फारेनहाइट से 110 डिग्री फारेनहाइट उसमें जो पैमाने होते हैं वो लगे होते हैं। ये है डॉक्ट्री थर्मामीटर दोस्तों। ऐसे बहुत सारे थर्मामीटर का प्रयोग होता है, जैसे पूर्ण विकिरण तापमापी जिसे कहते हैं उत्तापमापी, यानी कि पाइरोमीटर जिसके माध्यम से हम 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर का तापमान मापते हैं। जैसे अगर सूर्य का तापमान मापना हो तो पाइरोमीटर का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों आज हमने डिस्कस किया है एक सामान्य जानकारी जिसमें आपको मैंने ऊष्मा के बारे में बताया हुआ है। दोस्तों संस्थान के माध्यम से जूनियर शिक्षक भर्ती का बैच प्रारंभ है, अगर आपको बैच से जुड़ना है तो निश्चित तौर पर आप हमें व्हाट्सअप करेंगे, एंट्री जूनियर लिख करके और एडमिशन के प्रोसेस के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अदरवाइज दोस्तों संस्थान का टेलीग्राम चैनल बिल्कुल नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिख रहा है, आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहां पर टेलीग्राम का लिंक कॉपी करिए और जुड़ जाइए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। जब टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ जाएंगे तो आपको जितनी भी अध्ययन सामग्रियां हैं बिल्कुल निःशुल्क प्राप्त होंगी। आप अध्ययन सामग्रियों के अध्ययन से भी आप अपनी तैयारी को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों हमें आप व्हाट्सअप करेंगे 83 82 96 67 79 इस नंबर पर। तो आज हमने पढ़ा है ऊष्मा, दोस्तों फिर से मिलेंगे ऊष्मा के एक नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।